शनिवार की रात चुपचाप फेंक देना, यहां पर 5 काली मिर्च जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति शनिदेव जी की कृपा से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा, यदि आप अपने जीवन में चल रही हर तरह की समस्या परेशानी दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं और यदि आप चाहते हैं कि आपकी और भाग्य बदल जाए, आपका साथ दे, तो शनिवार के दिन केवल काली मिर्च का वह उपाय कर लीजिए जिसके बारे में हमारे धर्म शास्त्र में वर्णन है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, काली मिर्च शनि ग्रह का कारक वस्तु होती है। यदि आपके जीवन में आप शनि दोष से परेशान हैं, घर का वास्तु दोष ठीक नहीं है, किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया है, आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा है, आपको लगातार धन की हानि हो रही है, आप अपने जीवन में देख रहे हैं आपका व्यापार चौपट हो गया है, तो दोस्तों मान के चलिए आपके जीवन में शनि ग्रह अच्छा नहीं चल रहा है। काली मिर्च शनि ग्रह से जुड़ी हुई होती है और यदि आपने काली मिर्च का उपाय शनिवार के दिन किया तो यकीन मानिए इसका आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। यह सत्य है, बिना मेहनत किए धन कमाने की बात सोचना व्यर्थ है, मगर कभी कभार चमत्कार होते हैं और अचानक ही धन की प्राप्ति होती है। फिर चाहे अचानक बहुत अच्छी जॉब मिल जाए या आप सैलरी बढ़ जाए या फिर व्यापार में अचानक से तेजी आ जाए और बेशुमार आपको धन की प्राप्ति हो जाए। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा चमत्कार हो तो आज इस वीडियो में बताए हुए उन उपायों को कर लीजिए जो आपको काली मिर्च के द्वारा शनिवार के दिन करना है और आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपको एक पॉजिटिव और चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा ना। केवल आपको काली मिर्च के उपाय करके अपने जीवन में हर तरह की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि शनिदेव महाराज जी की कृपा से आप अपने जीवन में देखेंगे कैसे आपको सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, काली मिर्च का उपाय शनिवार के दिन किया जाता है तो यह कभी भी खाली नहीं जाता है, बल्कि काली मिर्च का उपाय करके आप अपने जीवन में अपने भाग्य और किस्मत का साथ पा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके जीवन की कैसी भी मनोकामना हो, आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो, हर चीज निवारण आपको शनिदेव जी के पास ही मिलेगा, क्योंकि शनिदेव जी के हाथों में आपके शनि ग्रह का नियंत्रण होता है। शनि ग्रह एक उग्र ग्रह माना जाता है। जिस मानव का शनि ग्रह अच्छा नहीं होता है, वह मानव अपने जीवन में चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, कभी भी उसका कुछ भी नहीं हो सकता है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। किंतु यदि किसी मानव का शनि ग्रह मजबूत है और वो मानव गलत निर्णय भी लेगा, उस निर्णय से भी उसको पहुंचता है। इसलिए हमारे धर्म शास्त्र में कहा गया है कि शनिदेव महाराज जी की कृपा जिस मानव को भी मिल जाती है, उस मानव को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाता है। किंतु यदि शनि महाराज जी की गलत दृष्टि किसी मानव पर पड़ जाती है तो वो करोड़पति मानव तुरंत ही भिखारी बन जाता है। इसीलिए दोस्तों बहुत से लोग जो होते हैं वो 7.5 और से डरते हैं। यह बात है जो शनि महाराज जी की गलत दृष्टि की वजह से किसी भी मानव जीवन में आ जाते हैं। और यदि आपके जीवन में मान लीजिए आपने ऐसी कोई गलती कर दी थी जिसके वजह से शनिदेव आपसे रुष्ट हो गए हैं और आपके 7.5 चल रही हैं, बढ़िया चल रही हैं, या आपके ऊपर कोई भी ऐसा शनि दोष है, तो दोस्तों आज हमारे वीडियो में बताए हुए आप लोग काली मिर्च के वहां उपाय कर लीजिए जिसके बारे में हमारे धर्म शास्त्र में वर्णन है। इन उपायों को करने के पश्चात आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे एक और पॉजिटिव बदलाव आएगा। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को न केवल अपने लिए, अपने परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहां जो उपाय हम आपको काली मिर्च के बताने वाले हैं, ये इतने ताकतवर उपाय है कि ये तुरंत ही आपको लाभ देंगे और आपके जीवन में हर तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, शनिदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, शनिदेव जी के वरदान से आप अपने जीवन में हर तरह की सफलता को हासिल करें, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कॉमेंट बॉक्स में दीजिए जय शनि महाराज जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपके राशि के अनुसार ऐसा कोई जिसको करके आपको कोई लाभ पहुंच सकता है, वो आके हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए दोस्तों सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, अब आपको हम काली मिर्च के उन उपायों के बारे में बताने आ रहे हैं जिन उपायों को करके आपके जीवन में आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। किंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, काली मिर्च का उपाय तभी लाभ देता है
जब इसको लोग पूर्वक करते हैं। नियम के बिना आप उपायों को करेंगे, आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से हम आपको उपाय बता रहे हैं, शनिवार के किस मुहूर्त पर आपको यह उपाय करने हैं। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला उपाय है आर्थिक कष्टों से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों मान लीजिए आपने कोई कर्ज लिया था, तो ये बात आपको भी पता होगी, कर चलते आप लोग ना खाना ठीक से खा पा रहे होंगे, ना आपको नींद आती होगी। दूसरी तरफ यदि आपके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, पैसा टिक नहीं रहा है, तो भी आप बहुत परेशान होंगे। तो यदि आप आर्थिक कष्टों से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपको ठीक से मुक्ति मिल जाए, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बता नहीं रहे हैं। देखिए, एक मानव के जीवन में आर्थिक कष्ट आते ही क्यों हैं? क्योंकि उस मानव का शनि ग्रह बहुत ही कमजोर हो जाता। कर यदि आप चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा से आपके आर्थिक कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो तीन शनिवार वह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताना रहे। केवल तीन शनिवार आपको यह उपाय करना है और तीन शनिवार के पश्चात आपको शनि महाराज जी की कृपा ऐसी मिलेगी कि आपके आर्थिक कष्ट खत्म हो जाएंगे। आपको कोई कर्जा लिया हुआ था, जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले रहे थे, वह कर्ज भी खत्म हो जाएगा। देखिए आपको करना है, पहले शनिवार से आपको किसी भी शनि मंदिर है और ये सूर्यास्त के पश्चात आपको सारे उपाय करने हैं। सूर्यास्त के पश्चात किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि मंदिर जाने के पश्चात सबसे पहले आपको वहां पर एक मिट्टी के दीपक में या पीतल के दीपक में है सरसों का तेल लेकर के जाना है और वहां पर जलाना है। पूर्व दिशा में जलाए शनि महाराज जी के सामने आपको नतमस्तक होकर के खड़ा होना है। वहां पर 11 बार शनि चालीसा का पाठ कर लीजिए। बार शनि चालीसा का पाठ करने के पश्चात आपको उसी जलते हुए दीपक में तीन काली मिर्च डाल देंगे। यह उपाय आप लोग तीन शनिवार लगातार कर लीजिए। तीन शनिवार के पश्चात आपको शनि महाराज जी की वो कृपा की आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लगा हुआ था जिसके वजह से आप आर्थिक कष्टों से परेशान थे, वह आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यह एक महा उपाय है दोस्तों, जो प्राचीन काल के समय से चला हुआ आ रहा है। आप भी करके देखिए, यकीन मानिए इस उपाय से आपको बहुत ही ज्यादा लाभ। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वह है घर की बरकत का महा उपाय। यह एक ऐसा उपाय है जिसको आप करेंगे तो आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। आपके घर पर मान लीजिए ऐसा कोई दोष है, नेगेटिव शक्ति है, जिसके हिसाब से आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो वह नेगेटिव शक्ति हमेशा के लिए चली जाएगी। देखिए दोस्तों, पूरे सप्ताह क्या होता कि आप बाहर जाते हैं तो आपके घर के मेंबर्स बाहर जाते हैं और वो जब आते हैं तो अपने साथ कुछ नेगेटिव शक्तियों को ले आते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में माहौल बिगड़ जाता है और आप चाहते हैं कि यह नेगेटिव शक्तियां आपके घर से हमेशा के लिए चली जाए। प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के पश्चात घर के मुख्य द्वार के बाहर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। एक सरसों के तेल का दीपक जलाने के पश्चात आपको उसमें एक काली मिर्च डालनी। काली मिर्च डालने से पहले आपको केवल इतना बोलना है, जय शनिदेव जी की, इतना आपको बस बोलना मान के चलिए। पूरे सप्ताह शनिदेव जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेंगी। प्रत्येक शनिवार को यदि यह उपाय करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपका घर शनिदेव जी की कृपा में बना रहेगा। तीसरा उपाय है शनि दोष से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि शनि दोष से आपको मुक्ति मिल जाए, जैसे मान लीजिए आपकी 7:30 चल रही है तो आपको क्या करना है? देखिए दोस्तों, शनि दोष से वैसे मुक्ति तो नहीं मिल पाती, एक बात को समझ लीजिए, शनि दोष के प्रकोप को कम किया जा सकता है, यह बात ध्यान रखिएगा। हमारे धर्म शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि शनि दोष से कोई भी नहीं पा सकता है। यदि किसी मानव की 7:30 चल रही है, किसी मानव कीड़ियां चल रही हैं, तो उसको झेलना ही पड़ेगा, किंतु आप चाहे तो उसके प्रकोप को खत्म कर सकते हैं। अब आप खत्म चाहते हैं तो आपको क्या करना है? जब तक आपकी 7:30 चल रही है, एक काला कपड़ा लीजिए। एक काले कपड़े में आप लोग 51 काली मिर्च डालिए। 51 काली मिर्च पर 11 रुपए डालिए। 11 रुपए में 10 रुपए का नोट होना चाहिए, 1 रुपए का सिक्का होना चाहिए। इसको काले धागे से बांध करके पोटली बना लीजिए। शनि मंदिर प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के पास जाइए और इसी पोटली को किसी भी मानव को दे दीजिए। आप प्रत्येक शनिवार को यही करना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में जो शनि दोष है उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। यदि कोई मानव आपसे यह कहता है कि शनि दोष खत्म किया जा सकता है तो वो झूठ बोल रहा है। दोस्तों हमारे धर्म शास्त्र में ऐसा कोई उपाय ही नहीं है कि शनि दोष को खत्म किया जा सके।
हमारा चैनल आपको वही जानकारी देता है दोस्तों जो एकदम सटीक जानकारी होता है। हम आपको कभी भी बहकाते नहीं, हम कोशिश यही करते हैं कि आपका भला हो सके। परंतु आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। चौथा उपाय है व्यापार को चलाने का महा उपाय। यदि आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो दोस्तों इसकी कई वजह हो सकती है। हो सकता है कि आपके व्यापार में किसी ने नजर लगा दी है, हो सकता है कि आपके व्यापार पर ऐसा कोई दोष लग गया है जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ गया है, और आप चाहते हैं कि का व्यापार चल पड़े तो आपको क्या करना होगा। बहुत ही आसान सा उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, आपको बस यही करना है, शनि मंदिर जाना है, शनि मंदिर जाइए। सबसे पहले शनि मंदिर में जाने के पश्चात एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। एक सरसों के तेल का आप जो दीपक जलाएंगे, ध्यान रखिएगा, उसमें एक काली मिर्च डाल दीजिएगा। ये शनि जी के सामने करना है आपको, आप थोड़ा वहां से दूर हट। शनि महाराज जी की दृष्टि के सामने आपको एक काला कपड़ा लेना है। काले कपड़े पर आपको एक मुट्ठी काली मिर्च डालनी है। उसमें एक रुपए का ऐसा सिक्का डालना है जो कटा पीटा ना हो, एकदम चिकना सिक्का हो। एक रुपए का सिक्का डालिए और 11 लौंग डालिए। अब इस काले कपड़े की बना लीजिए आपको पोटली। इस पोटली को आपने जो बनाया है, इसको आपको शनिवार की रात को आपको यह उपाय करना है, सूर्यास्त के पश्चात और इसी पोटली को तुरंत ही ले जा करके अपने मतलब अपनी दुकान में जहां से आप पैसे का लेन देन करते है वहां पर ले जाकर के रख दीजिए। केवल इतना उपाय, इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो आपका बंद पड़ा व्यापार शनि महाराज जी की कृपा से चल पड़ेगा। ये आज का नहीं, प्राचीन काल के समय का महा उपाय है दोस्तों, जो आपके जीवन में बरकत ला सकता है और आपके व्यापार को वापस से चला सकता है। तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय शनि महाराज जी की। अब जो उपाय हम आपको बताने रहे वह है रोग मुक्ति का महा उपाय। यदि आपके घर पर कोई भी मानव बहुत बीमार है, वह इलाज करा करा के अपना थक गया है और वह चाहता है कि वह ठीक हो जाए, तो एक महा उपाय हमारे कहने से करवा लीजिए मानव से, और वह मानव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह उपाय लगातार शनिवार करना है। 5 शनिवार के पश्चात वह रोगी मानव शनिदेव महाराज जी की कृपा से ठीक हो जाएगा। आप करना कैसे है उपाय, इस बात को सुन लीजिएगा। देखिए, यह दिन के समय भी जा सकता है, रात के समय भी किया जा सकता है। तो यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए 11 काली मिर्च। जो भी मानव आपके घर पर रोगी है, उसको उसके हाथ में, दाएं हाथ में 11 काली मिर्च दे दीजिए, उसके बाएं हाथ में दे दीजिए 7 रोटी। अब उस मानव से कहिए कि उस 11 काली मिर्च को अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं और लेफ्ट, तो 7 बार इस काली मिर्च को घुमाएं। 7 बार काली मिर्च को घुमाने के पश्चात इसको अपने घर के मुख्य द्वार के दूसरी कहीं भी फेंक दें और इस 7 रोटी को किसी भी काले कुत्ते को खिला दें। यह उपाय 5 शनिवार कर लें, वह रोगी मानव, और 5 शनिवार के पश्चात वह मानव बिल्कुल ठीक हो जाएगा।